अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आबिद रहमानी और आप देख रहे हैं आबिद रहमानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा एक मेहमान तसद्दक नज़ीर लाहौर से आया हुआ है और उसकी फरमाइश पर मैं सेंसपीट आया हूँ। सेंसपीट आते हुए जो मुझे पता था कि यहाँ आकर मैं पानी के बगैर, मेरा पानी में कूदे बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आते हुए अपने साथ फिंग्स ले आया। स्विमिंग में फिंग्स जो है हर बंदा नहीं पहन सकता है, वो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इससे फिर जो है ना पट्टे मसल्स जो है वो आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर बंदे को दुश्वारी होती है। आम बंदा तो फिंग्स यूज़ कर ही नहीं सकता। फिंग्स जो है सिर्फ आगे बढ़ने में स्पीड बढ़ाता है आपकी, सिर्फ इसके लिए स्विमिंग ज़रूरी है। स्विमिंग के बगैर पानी में कूदना नहायत ही ख़तरनाक अमल है। तो मैं फिंग्स पहन के स्विमिंग कर रहा हूँ, आप मेरी स्विमिंग देखें और इसमें मज़ेदार सीन भी आएगा, जिसमें मच्छियाँ सर बार उबारती हैं और जंपे लगा रही हैं। बहुत बड़ा गोल था मच्छियों का, छोटी छोटी मच्छियों का। तो चलिए देखते रहिए मेरी वीडियो आखिर तक। ये देखें, ये जो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ये मैं हूँ आबिद रहमानी। ये जो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं हाथ नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ अपने पाँव को चला रहा हूँ, और फिंग्स पहने हुए इसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत बढ़ रही है। और मैं बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर फिंग्स के और सिर्फ हाथ और पाँव के ज़रिए भी स्विमिंग कर सकता हूँ, लेकिन उसमें हाथ भी चलाने पड़ते हैं, तब भी इतनी स्पीड नहीं होती है। ये फिंग्स में ये होता है, ये क्या चीज़ है, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है छोटे भाई। और इसके लिए आपके स्टेमिना होना चाहिए, टांगों में प्रैक्टिस और स्टेमिना दोनों चीज़ लाजमी होनी चाहिए, वरना पट्टी चढ़ के बंदा उसी टाइम पानी में डूब भी सकता है। वो तो घूम रहा है, वो कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा। और ये मेरे सर के पास जो हरा सा पाइप नज़र आ रहा है, ये इसको स्नार्कल कहते हैं। और मास्क, जो फेस मास्क मैंने नाक पे और आंखों पे लगाया हुआ है, और इस स्नार्कल के ज़रिए मैं सांस ले रहा हूँ और तैरने में मैं अपना कारदार खुद अदा कर रहा हूँ। और ये स्नार्कल के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद आपको टिंड नज़र आ रही है, ये मेरी उम्र का तकाजा है, तो इसलिए इस पर परेशान नहीं होगा। बाबा ने फाड़ लिया हो, बाबा सर फाड़ लिया हो। नहीं फाड़ता था ना, एक ही वीडियो बना रहे हैं, दोबारा दूजी बनावांगे, एक ही बनाने। यहाँ कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे कि भाई आपने जो पाँव पे पहना हुआ ये आपको ऊपर रख रहा है, तो मैंने इनको आगे बताया कि ये पानी से मैं ऊपर नहीं रखता, ये लाइफ जैकेट नहीं, लाइफ जैकेट आपको पानी में ऊपर रखती है, ये तो मैं बगैर इसके, देखो ये फ्लोटिंग, ये लेटने को फ्लोटिंग कहते हैं ना, मैंने पाँव पे जो बूट पहने हैं, बल्कि वो बूट पानी का वज़न बढ़ा के डुबोते हैं, वो आपको ऊपर तैरने में मदद नहीं करते हैं, वो सिर्फ बड़े फिड़े फिंग्स हैं, उनको से आपका अंगूठा ख़राब नहीं है, तो वो इसलिए पहने जाते हैं। ये देखिए, मैं लेटा हुआ हूँ, फ्लोटिंग कर रहा हूँ, पानी में हल्के हल्के पाँव चला रहा हूँ, और ज़मीन पे जैसे बेड पे लेटा हुआ, इस तरह लेटा हुआ। तो मैं बगैर फिंग्स के और बगैर उसके हाथों से हाथ फ्री डाइव कर रहा हूँ, फ्री स्विमिंग कर रहा हूँ। देखें आप, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, इस तरह ज़रा ज़्यादा बेहतर है, हाथ भी चला रहा हूँ, पाँव भी चला भी नहीं है बंदा। फिंग्स हर बंदा नहीं चला सकता है, फिंग्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये देखें, फ्री 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 स्विमिंग, फ्री स्टाइल कहते हैं इसको, स्विमिंग का फ्री स्टाइल। अभी तुम जितना भी आगे जाओ नहीं डूबेगा। मैं पहुंच जाऊं तो मैंने ज़्यादा स्विमिंग नहीं की आजकल की है, उसके फिंग्स के बगैर तो अब वो आदत नहीं रहेगी स्विमिंग की, ज़्यादा फ्री स्टाइल की। तो अब ये मैं जो है वहाँ तक गया हूँ, दोस्तों देखें, मैं एक दांत दोबारा गहरे पानी की तरफ गया हूँ, अभी मैं मुंह आसमान की तरफ करके लेट कर जो पाँव चला रहा हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से वापसी आऊँगा, वापसी आते हुए मेरा सर पानी के अंदर होगा, मैं स्नार्कल से सांस ले रहा हूँ, और मेरे राइट हैंड, यानी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड से मच्छियों का गोल कुच्छा गुजरेगा, कोई मछली सर बार मार के निकाल के जंपे मारेगा, मछली है, वाओ वाओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर देगा, देखना आप, देखते रहिएगा दोस्तों, मेरा चैनल देखते रहिएगा, आप देखते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और अंडर वाटर डाइविंग की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत हरियाली है, हरे हरे पहाड़ नीचे,
बड़ी पहाड़ हरे नहीं है, इस पर घास फूस उगी है, जो समुद्री घास है वो तेज लगती है। अंदर के मनाजिर और आपको खूबसूरत मछलियों के जो गोलों के गोल जो रंग बरंगे वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मछलियाँ ये पकड़ते भी हैं कि नहीं? मेरा वीडियो देखते रहिएगा। आपका भाई आपका दोस्त आबिद रहमानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।